हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर रही प्रदेश के लोगों के हितों पर कुठाराघात। रामचरण बोहरा बाड़मेर थार नगरी जिला मुख्यालय में कार्यक्रम में आए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जयपुर सांसद रामचरण बोहरा एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत बाड़मेर पहुंचे। भाजपा जिला प्रवक्ता एवं मीडिया प्रमुख ललित बोथरा ने बताया कि यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राजस्थान सरकार द्वारा की गई बिजली की दरों में बढ़ोतरी, दलित उत्पीड़न, महिला अत्याचार, बढ़ती महंगाई तथा कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। जयपुर सांसद ने बताया कि इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर दबाव बनाकर विरोध प्रदर्शन कर आम जन को राहत दिलानी है। उन्होंने भाजपा की नीति तथा नियत को घर घर तक पहुंचाने की अपील की। बोहरा ने मिशन 2023 के लिए जिले द्वारा किए जाने वाले आवश्यक कार्यों के समग्र विचार एवं सुझाव पर प्रकाश डाला। सांसद बोहरा ने केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह कानून कृषि तथा किसानों के हित के लिए बनाए गए थे, लेकिन हम अपनी बात को सही ढंग से किसानों को बता नहीं पाए। उन्होंने कहा कि 2023 में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी तथा आने वाले समय में एक बार पुनः केंद्र पर भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत के साथ पुनः लौटेगी। कृषि एवं किसान हितों के लिए काम कर रही मोदी सरकार। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सांसद से पास कर 3 कृषि बिल लाए थे। इनसे निश्चित रूप से किसानों को फायदा होता। इसके पीछे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की स्पष्ट मंशी थी, लेकिन मुझे दुख है कि हमें देश के कुछ किसानों को लाभ बताने में विफल रहे, इसीलिए कृषि कानून को वापस ले लिया गया। बोहरा ने कहा कि देश इस बात का गवाह है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में केंद्र सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले ली, उनकी सरकार की प्रतिबद्धता गांव और गरीब के साथ किसानों और कृषि के लिए रही है। परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि पिछले 7 वर्षों में कृषि एवं किसानों को लाभ पहुंचने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी कई योजनाएं शुरू की गई। जिला प्रवक्ता ललित बोथरा ने बताया कि रामचरण बोहरा के साथ प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिलीप पालीवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता रूप सिंह राठौड़, वरिष्ठ नेता रतनलाल बोहरा, जिला प्रवक्ता ललित बोथरा, बाड़मेर गादान मंडल अध्यक्ष चंपत सिंह भवरिया, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष डालूराम बुकर, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपुरोहित, आईटी संयोजक स्वरूप सिंह लगेरा, गादान मंडल कोषाध्यक्ष ललित किशोर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।